प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, भारत देश में बड़े त्यौहार बड़े बड़े अच्छे भी हैं, बड़े विचित्र भी हैं। कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो पति और पत्नी के बंधन को जोड़ने के लिए हैं। जिस त्यौहार पर हर पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, क्योंकि पत्नी का सुहाग बिंदी नहीं, सिंदूर नहीं, मंगलसूत्र नहीं, पत्नी का सुहाग पति की खुशी है, पति का आनंद है, पति के चेहरे की मुस्कुराहट है, पति का सफल व्यापार है। इस भावना के साथ हर पत्नियां जिन्होंने हिंदू धर्म के साथ अपना जीवन यापन करने का संकल्प लिया है, वह पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ की व्रत करती हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं करती। संकल्प होता है कि जब तक चांद को ना देख लूं, तब तक एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं करूंगी। देखिए कितना बड़ा संकल्प है। चांद को देखने के बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती हैं, लेकिन चांद को देखने के साथ साथ पति का दिखना भी जरूरी है, क्योंकि चांद है। लेकिन वह चांद कहता है कि मैं तो यहाँ पर चौथ का चांद बन के आया हूँ, लेकिन तुम्हारा पति तो पूर्ण चांद है, पूर्ण विकास चाहता है। ऐसी भावना के साथ पत्नियाँ चांद को देखती हैं, पति को देखती हैं, चांद को देखती हैं, पति को देखती हैं, और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। और जब पति के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, तब जाकर के पत्नियाँ जल और अन्न ग्रहण करती हैं। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हिंदू संप्रदाय में बताई गई हैं, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पत्नियां अपने पति के लिए इतना समर्पण करती हैं, 24-24 घंटे अपने परिवार के लिए सोचती हैं, 24-24 घंटे पति के बारे में सोचती हैं, तो मैं चाहता हूं कि वह पति भी जब घर पे आए, कम से कम उतने समय तक के लिए पत्नी का होके रहे। पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में पूछे तो जीवन में कभी भी तनाव नहीं होंगे, और वह तनाव खत्म हो करके हर दिन आपके लिए करवा चौथ हो सकता है। फिर वो दिन आएगा, फिर पत्नी हर दिन चांद को नहीं, हर दिन पति के चेहरे को देख करके करवा चौथ मनाएगी, और अपने जीवन में यही प्रभु से प्रार्थना करेगी, हे प्रभु, हर जन्म में मुझे ऐसा ही मुस्कुराता हुआ, प्रेम देने वाला, परिवार को संभालने वाला पति प्राप्त हो सके। यही भावना रखती हैं पत्नियां। याद रखना, किसी भी पत्नी को सोना चांदी नहीं चाहिए, हर पत्नी को पति का प्यार चाहिए। इस प्यार के साथ जुड़ा हुआ ये करवा चौथ व्रत है, जैसे आपकी परंपरा है, उस परंपरा के साथ आप सभी यही प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारा सुहाग, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, आनंदित रहे, प्रसन्न चित्त रहे, तो ही आपका जीवन सुखी और संपन्न हो सकता है।